नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि सही बुखारी में है, किताबुल फजाइल में, जहां पे आपने ये बात जिक्र की कि तीन किस्म की मिट्टियां होती हैं। एक वो मिट्टी होती है जिस पे जब पानी पड़ता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस मिट्टी को भी फायदा होता है और उसके ऊपर भी फायदा होता है। कुछ पानी रिटेन भी करती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे नॉर्मल एक सरसब्ज और शादाब एक बाग है ना, उसमें जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कैसी है, उसमें अगर आप पानी डाल दें तो पानी कुछ तो खड़ा रहता है ऊपर ही और कुछ अंदर चला जाता है। और फिर ये कि वो मिट्टी को भी फायदा होता है, मिट्टी को मजीद जरखेज बनाता है और फिर उसमें से जो फल फूल निकलते हैं उससे फिर बाकियों को भी फायदा होता है, उसमें से दरख्त निकलते हैं, उसको शेड का काम करते हैं। तो एक मिट्टी होती है जिसको पानी जब पड़ता है तो खुद भी फायदा करती है, दूसरों को भी फायदा देती है। एक मिट्टी ऐसी होती है जैसे कि एक फर्श होता है, एक मार्बल फ्लोर है ना, उस पर आप पानी डाल दें तो क्या होगा, या एक पथरीली सी मिट्टी, वो क्या करती है, वो पानी रिटेन कर लेती है, पानी उसके ऊपर, मार्बल फ्लोर के ऊपर पानी डालें पानी ऊपर रहेगा, मिट्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा, वो अंदर जा ही नहीं रहा, लेकिन ऊपर फायदा है, कोई चिड़िया आ गई, कोई जानवर आ गया, उसने वहां से पानी पी लिया, उसको फायदा हो गया। ये दूसरे किस्म की मिट्टी है। और तीसरी किस्म की मिट्टी क्या है, जो पानी को अपने अंदर खींच लेती है लेकिन ना अंदर फायदा होता है ना ऊपर, जैसे सहरा की मिट्टी होती है। सहरा के अंदर अगर आप पूरी बाल्टी भी पानी की डाल दें, वो पानी किधर चला गया पता ही नहीं चला, और ना वो ऊपर रिटेन हुआ, ना वो सहरा जरखेज हुआ उससे, और ना ऊपर पानी रिटेन हुआ कि कोई जानवर ही आके पी लेता, तो ये बिल्कुल बेकार मिट्टी है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ये इन तीन किस्म की मिट्टियों का जो ताल्लुक है वो उसके साथ जोड़ रहे हैं जिस दिल पर कुरान का इल्म पड़ता है। आगे एक शख्स है जिसके ऊपर जब कुरान की तालीमात उसके दिल पर पड़ती हैं आके, तो वो खुद भी फायदा करता है, उसके अमल में फायदा होता है और फिर वो उसको दूसरों तक पहुंचाता है। दूसरी मिट्टी क्या है, जिसके ऊपर पानी खड़ा हो जाता है, यानी जिस तरह आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजा, आपने खुद तो अमल नहीं किया लेकिन बहरहाल फॉरवर्ड आपने कर दिया दूसरों को, तो ये वो एग्जांपल है कि खुद तो फायदा नहीं हुआ लेकिन बहरहाल दूसरों को फायदा हो गया, ऊपर से किसी चिड़िया ने किसी जानवर ने आके पानी पी लिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि माशाल्लाह फॉरवर्ड करने के बड़े मास्टर होते हैं, आप भी जानते हो कि कई ऐसे लोगों को जो फॉरवर्ड करने के मास्टर होते हैं, व्हाट्सएप पे टकाटक मैसेज भेज देते हैं, कोई उनको फौरन आयत हदीस मिलती है फौरन से फॉरवर्ड कर देते हैं, सारे ग्रुप्स पे डाल देते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात क्या है कि फॉरवर्ड भी करें खुद भी अमल करें। यानी ये ना समझे कि आप सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों क्यों तुम वो कहते हो जो खुद करते नहीं, यानी कि जो कहते हो ना वो खुद भी किया करो, ये नहीं कि कहना छोड़ दो, कहो जरूर कहो, दावत दीन करना ये बड़ी जरूरी चीज है लेकिन साथ साथ खुद भी अमल करो, तो अपने आप को नहीं भूलना। तो ये दूसरी एग्जांपल जो है ना, वो बंदा जो हर चीज को फॉरवर्ड कर देता है लेकिन खुद अमल नहीं करता, ये उसकी मिसाल है। ऐसी मिट्टी जो पानी को रिटेन ऊपर रिटेन करती है अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती। और तीसरी मिसाल उस शख्स की है जिसपे जब कुरान का इल्म पड़ता है तो ना उसको फायदा होता है ना दूसरों को होता है, ना वो खुद अमल करता है ना वो शेयर करता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ना खुद फायदा ना किसी और को फायदा। तो ये तीन किस्म के लोग हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह आसमान से अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, जमीन में मिट्टी के ऊपर जब पानी पड़ता है उसमें से फल फूल निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक मरा हुआ दिल भी जो है ना वो कुरान के नूर से जिंदा हो जाता है। एक दिल जो मरा हुआ था ना, जब उस पर कुरान की रोशनी पड़ती है और वो उसको इंटरनलाइज करता है, उस पर अमल करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाता है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि ये अगर कुरान की आयात पहाड़ों पर नाजिल होती तो पहाड़ भी फट जाते, तो इंसान फिर क्या चीज़ है।